You're watching Cooksmart with Sanjeev Kapoor. And Chinese khana bana rahe hain, to usme koi aisa starter na bane jo badhiya se crisp khasta na ho, to maza hi nahi aayega. Ab jaise hamare yahan pe pakode, samosa sabko acche lagte hain, isi tarah se spring roll bhi sabko acche lagte hain. Aur ye jo spring roll hai, ye bhi banenge badhiya se. Tel iske liye garam hone ke liye rakh diya hai. Spring onion jo hai, bada acha lagta hai ki jab spring onion pada ho, to main uska kuch na kuch istemal kar hi deta hu. So ये जो spring onion है, ये लेकर इसे मैं जरा chop कर लेता हूँ और ये spring onion chop करके ये spring roll के लिए spring onion तो बिल्कुल ठीक spring roll के लिए spring onion ये हो गया spring onion हरा प्याज छोटी सी लाल मिर्च खतरनाक सी और ये जो खतरनाक मिर्च है ना ये लीजिए इसका तो मैंने कर दिया काम तमाम और ये इसको बस और ज़्यादा नहीं डालता मैं सोच रहा था दो डालूं लेकिन दो नहीं एक ही काफ़ी है ये ले लिया और फिर थोड़ा सा इसके अंदर अदरक भी डालते हैं अदरक ग्रेट करके तो ये इसके अंदर तेल पे भी नज़र रखें कि तेल गरम चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए चलिए ये हो गया जिंजर ग्रेट और फिर अब इतनी जो सारी तैयारी की है ना ये इसलिए की है कि इसमें कुछ हमने डालना है तो ये मेरे पास थोड़ा सा सेसमी ऑयल ये इसके अंदर और फिर इसमें नमक नमक कहाँ गया ये रहा नमक और इसके साथ साथ ये मेरे पास श्रिम्प्स साफ किए हुए और तेल के साथ में ये इसमें जो सी फूड है ना उसको एसिड बड़ा अच्छा लगता है तो नींबू इसके अंदर बहुत थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च ये लीजिए कॉर्नस्टार्च डल गया और अब इसको मिक्स कर लिया तो ये क्या हो गया ये हमारे श्रिम्प्स जो हैं ये मैरिनेट हो गए इस मसाले के साथ में और इसके बाद स्प्रिंग रोल तरह तरह के बनते हैं लेकिन ये जो स्प्रिंग रोल है ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर नेचुरली जो स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं वो खुद भी आप उसको बना सकते हैं लेकिन आजकल सब चीज़ें बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं तो ऐसी जो चीज़ें बाज़ार में से पैकेट फ्रोज़न वाला ले लिया और ताकि बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो हाँ इसके लिए जो तेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और तेल कभी भी आप लें कोई भी चीज़ डीप फ्राई करें तो उसके बाद में तेल को रखने से पहले उसको छान के फिर उसको स्टोर करें ताकि जो तेल है उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाए आप ज़्यादा देर तक उसको रख सकते हैं फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और हाँ अब क्योंकि ये जो है ये श्रिम्प के साथ में प्रॉन के साथ में बना रहे हैं तो तेल को लेबल कर लीजिए कि नॉन वेज तेल हो गए आप ये अंडा ले लिया और ये किस लिए ये स्प्रिंग रोल चिपकाने के लिए काम आएगा इसको फेंट लेते हैं चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं नहीं तो ये भी चलेगा अब ये हमारे पास में स्प्रिंग रोल की शीट्स अच्छा ये जो स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं इसको गीले कपड़े से हमने ढक के इसलिए रखा है ताकि ये बहुत ज़्यादा सूख ना जाए सूख ना जाना प्लेट में ओके अब ये ले लिया और इसके बाद इसको इस तरह से रखते हैं हम और ये जो श्रिम्प्स हैं हमारे पास ये लेकर इसको इस तरह से रखा ये देखिए ये जो टेल है ये बाहर टेल बाहर और इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये लीजिए और इसे अब हम कर देते हैं रोल इसको यहाँ पर थोड़ा सा अंडा लगा देते हैं अंडा जो है इसको चिपकाएगा अंडा इस पर लगा दिया और ये जो है इसे अब हम कर देते हैं
रोल। तो ये देखिए, ये जो है इसे आप चाहें तो जैसे जो कॉर्नर था वो भी रह सकता था, नहीं तो इस तरह से भी रह सकता है। और इसके बाद इसको ऐसे रखते हैं और ये जो है इसको अब फ्राई करने के लिए, चलिए हम देखते हैं कि कैसा इसका हाल है। गरम तो लग रहा है काफी। वाह, ये लीजिए, जरा इसको पलट लेते हैं मजे से। प्रॉन को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो यही फायदा है इसमें, जो प्रॉन है वो ज्यादा नहीं पके, यही हम चाहते हैं। आ हा हा, अच्छा ये जो है अब पक गया है या नहीं ये देखिए, इसको सर्व करने के लिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो तीखी सॉस के साथ सर्व करें, किसी के साथ प्यार है तो खट्टी मीठी सॉस के साथ इस स्प्रिंग रोल को सर्व करें।